सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, भले ही आप 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, हम सभी को पता है जो भी स्टूडेंट्स इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, मतलब कि 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके पेपर्स 10 दिन पहले होने वाले हैं। मतलब कि जो भी हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनके लगभग लगभग हर साल 1 मार्च से पेपर शुरू होते थे, लेकिन इस साल वो 21 फेब से शुरू होने वाले हैं। और जो 21 फेब से 12 के पेपर शुरू होते थे, वो अभी 11 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि भैया पेपर का जो लेवल होगा, क्या वो लेवल इजी होगा, मॉडरेट होगा या फिर हार्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका बहुत ज्यादा टेंशन में हल्का करने वाला हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरी चीजें कवर करने वाला हूं कि आपके जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर है वो किस प्रकार से बनते हैं और कितने पेपर्स बनते हैं, उसमें से कितने पेपर्स सिलेक्ट होते हैं। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। एट द सेम वे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप 1 सेकंड निकाल के आपके भैया के लिए नीचे प्यारा सा कमेंट करोगे कि आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जिससे कि मैं उस पर जल्द से जल्द स्ट्रेटजीज बना पाऊं। तो फटाफट से नीचे कमेंट्स में बताना है विच इज योर हार्डेस्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड जाता है। मैथ जाता है, साइंस जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हार्ड जाते हैं जरूर नीचे कमेंट्स में बताना है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। हमारा जो पेपर बनता है वो बहुत सारे अथॉरिटीज पेपर बनाते हैं और उनमें से कोई एक पेपर सिलेक्ट किया जाता है। अभी बोर्ड्स वाले इन सभी को ध्यान से सुनना, हर एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, होशियार भी स्टूडेंट्स होते हैं, मॉडरेट भी स्टूडेंट्स होते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उनके नजरिए से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बनाया जाता है। मतलब कि आपका जो हार्ड पेपर होगा, मतलब पेपर का जो फॉर्मेट होता है, वो 20% हार्ड होता है, 30% मॉडरेट होता है और 50% इजी होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। सपोज अगर मैं हिस्ट्री का पेपर लू, हिस्ट्री और सिविक्स का, अगर 10th स्टैंडर्ड में हो आप तो हिस्ट्री और सिविक्स का एक एग्जाम्पल लेता हूं। 40 मार्क का आपका पेपर बनता है, जिसमें से स्टूडेंट्स 20 मार्क, मतलब आधा पेपर, 40 में से आधा पेपर 20 मार्क, ये पेपर में आप विदाउट लर्निंग, मतलब 50% आप विदाउट लर्निंग आप गिरा सकते हो, 20 मार्क आप गिरा सकते हो, बस MCQ में, वो क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग वगैरह में, ट्रू ऑफ फॉल्स में और पैसेज में से। मतलब कि 50% पेपर जो होता है वो आपका इजी पेपर आता है। मॉडरेट में आपके गिव आंसर्स में आते हैं और ब्रीफ वाले आते हैं 20%, मतलब कि 20% हार्ड, 30% मॉडरेट और 50% आपका जो पेपर बनेगा वो बनेगा इजी पेपर। दैट मींस अगर आपको लग रहा होगा कि भैया मैं तो पेपर में फेल हो जाऊंगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप फेल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 15 से 20 मार्क तो हमको घर से ही मिल जाते हैं, बस हमको थ्योरी में 15 मार्क गिराने होते हैं, तो वो एक प्रकार से हमारा पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिकल बुक्स और एट द सेम वे क्या बोलते हैं, हमारे पेपर के लिए एबसेंट नहीं रहना है। बाकी के अगर आप रह गए, मतलब एबसेंट रह गए तो फेल हो जाओगे, नहीं रहे तो आप पास हो जाओगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिख के आप मतलब पास हो जाओगे, वैसा नहीं है, थोड़ा तो भी आपको लिख के आना पड़ेगा, जिससे कि बोर्ड एग्जाम वाले आपको मार्क्स दे सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मुझे भी हेल्प हो जाए ग्रो करने के लिए और मैं आपकी हेल्प तो कर ही रहा हूं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस।